देखिए, इंटरव्यू में अच्छे नंबर किसको मिलते हैं, किस चीज के नंबर मिलते हैं? अगर मैं इसको एक वाक्य में कहूं तो आपने वहां कैसा माहौल बनाया, इसके नंबर मिलते हैं। और सरल भाषा में कहूं तो आपके स्मार्टनेस के नंबर मिलते हैं। एक शब्द में कहना हो तो स्मार्टनेस कह दीजिए। और स्मार्टनेस का मतलब वो नहीं होता जो आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं अभी कि मैं तो बचपन से स्मार्ट दिखता हूं, वो वाला नहीं। आप कितने सुंदर दिखते हैं इससे धैले भर का फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है लेकिन बहुत कम समय। इंटरव्यू में क्या होता है आप सोच के देखिए, 65 साल की औसत उम्र के 5 लोग बैठे होते हैं। अब आप वहां गए, अगर आप बहुत सुंदर हैं तो भी उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जिनको फर्क पड़ सकता है वो बाहर छूट गए, वो तो अंदर आए नहीं। 65 साल के व्यक्ति को किसी बहुत सुंदर बच्चे को देख के एक ही भाव आता है कि ये मेरी बहू बन सकती है क्या, या मेरा दामाद बन सकता है क्या, यही भाव आएगा, उससे ज्यादा क्या भाव आ जाएगा। तो आपकी सुंदरता तो 2-4-5 सेकंड के बाद असर नहीं डालेगी। और यदि आप सुंदर हैं पर ठीक से बात नहीं रखते हैं तो और गुस्सा हो रहेगा कि बताओ मुंह तो वैसा दिया भगवान ने लेकिन दिमाग एकदम नहीं है, तब ये भाव आने लगता है और गुस्सा आ जाता है। तो पहली बात ध्यान रखनी है कि आपकी सुंदरता काम नहीं आने वाली, उसको मन से निकाल दीजिए। वो काम केवल तब आएगी जब आपके उत्तर बहुत अच्छे होंगे, तो थोड़ी हेल्प कर देगी, लेकिन अपने आप में वो काम नहीं आने वाली। तो क्या काम आएगा? स्मार्टनेस के 2 मतलब हैं। पहली बात, आप जो आंसर्स वहां देंगे उनकी क्वालिटी, और दूसरा आपकी जो स्पीकिंग या बिहेविंग स्किल्स हैं, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, वो काम आएंगे। अगर आप बहुत स्मार्ट तरीके से बातचीत करना जानते हैं दूसरों के साथ, संकोच नहीं करते बिना बात के, बहुत झिझकते नहीं है हर बात पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनसे को गाना सुना दो, 3 दिन तक नहीं, मुझे रियाज करना पड़ता है, नहीं मैं सुबह 5 बजे ही गाता हूं, मैं इस समय नहीं गा सकता। इतने नखरे बोलने वाले का मूड ही खत्म हो जाता है कि छोड़ो इससे बढ़िया, और उसमें कोई और आवाज आ रही है वही सुन लेंगे हम, छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप बाकी लोग गाना गा रहे हो, कह रहे कि मैं भी गाऊंगा। जैसे इस बच्चे ने कहा मैं सवाल पूछूंगा, ऐसे करके पूछूंगा सवाल।